हेलो। अबे तू, मैं आ रहा हूँ भाई, रुक तो रुक। गाइस आज हम चलने वाले हैं अपने दोस्त के पास, क्योंकि वो दोस्त 10 साल बाद आज मिल रहे हैं। गाइस हम लोग तो पहले स्कूल टाइम में ही मिला करते थे। चलो फटाफट यहाँ से चलते हैं। तो मेरा बाइक यहाँ पर लगा हुआ है। चलो भाई, तो फटाफट मैं इस बाइक पे बैठ गया। भाई बहुत दिनों बाद मेरे दोस्तों से मैं मिलने जा रहा हूँ भाई, 10 साल बाद। समझ रहे हो यार, पता नहीं वो हमको पहचान पाएगा कि नहीं पाएगा यार, मैं भी उसको पहचान पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो चलो, तो वो मुझे लोकेशन तो वो मुझे सेंड कर दिया है, तो लोकेशन के हिसाब से तो मुझे वो मिल ही जाएगा। तो चलो भाई चलते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। अबे यार, यहाँ पैदल ही आया हो क्या? नहीं, वो उधर मेरे गाड़ी लगा हुआ पार्किंग में। वो आपका घर है भाई? ये क्या लग्जरी कार खरीद लिया भाई तुमने? मैं तो अभी खटा रहा ही हूँ यार। अरे भाई, तेरे पास गर्लफ्रेंड भी है यार, तूने तो कभी बताया नहीं मुझे। यार लेकिन तुम्हारे पास कार बहुत ही शानदार है यार, क्या मस्त कार है भाई, बुगाटी फरारी भाई, क्या गजब ही दिख रहा है भाई। भाई क्या मुझे थोड़ी सी गाड़ी चलाने मिल सकती है भाई? ये वाला गाड़ी मैं चलाता हूँ भाई अभी। चलो बैठते हैं। अभी यार क्या गाड़ी भाई, बहुत ही मस्त लग रहा है यार, क्या गाड़ी खरीदी है भाई तुमने तो। अबे ओ गरीब, अब उतर जा, अब तेरी बस की बात नहीं है इसे चलाना। बहुत तारीफ तुम मेरा कर लिया, अब उतरो गाड़ी से यार मेरा। तुम मेरा दोस्त हो भाई, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? जब बेइज्जती ही कर रहा था तो यहाँ पर कॉल करके क्यों बुलाया? मैं अपना औकात दिखाने बुलाया था, गरीब के औलाद। तू देख कभी खटारा खटारा बाइक पे घूमते रहता है। शायद मैं समझ चुका हूँ, इस दुनिया में जिसके पास पैसा है उसी को लोग पूछते हैं कि तू कैसा है। अब मुझे कैसे भी करके मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है यार। मेरे दोस्त ने ऐसा बात बोला यार, मन तो कर रहा है यार मैं मर जाऊँ यार। तो यार अब मैं क्या करूँ भाई, मेरे माइंड में बहुत टेंशन हो गया यार। यार मैं सोच रहा यार मर ही जाऊँ भाई, अब मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं भाई, मुझे अब यहाँ से कूद देने दो यार, मैं मर जाऊँगा यार, मुझे अब यहाँ पर रहना है भाई। इतना पुराना दोस्त ने यार मुझे धोखा दे सकता है भाई इस दुनिया ने, यार क्यों नहीं दे सकता है भाई। अब मैं क्या करूँ भाई, नहीं मुझे भी अमीर बनना है, नहीं मैं भी कुछ करूँगा इस दुनिया में यार। मेरे दोस्त ने भी यार आज मुझे दोस्त ने छोड़ के चले गया यार। चलो अभी सो जाते हैं। मुझे अमीर बनने के लिए सबसे पहले मुझे जॉब खोजना पड़ेगा यार, बिना स्किल्स का मैं को अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, मुझे जॉब तो खोजना ही पड़ेगा। लेकिन यार यहाँ पर जॉब मिलेगा? कोई बात नहीं यार, चलो मुझे फटाफट यहाँ मुझे से, एक जगह तो पहले से मालूम है, वो उससे मैं पहले देख रखा हूँ, शायद वहाँ पर मुझे जॉब मिल सकता है। तो मैं आज जा रहा हूँ बाइक वहाँ शोरूम, पर तो जॉब मिल जाना चाहिए। अब पता नहीं यार, अब जाने के बाद ही पता लगेगा यहाँ का हालत। तो चलो भाई यहाँ पर मैं गाड़ी को पार्किंग कर देता हूँ। तो यहाँ उनके स्टाफ यहाँ पर घूम रहे हैं, तो इससे बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या आपके कंपनी में मुझे जॉब मिल सकती है? तुमने न्यूज़ नहीं देखा क्या? ऐसा क्या हो गया यहाँ पर जो मुझे न्यूज़ देखना पड़ रहा है? आज का ताज़ा खबर, मैं आज उन शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो कि रातों रात बाइक की शोरूम से हजारों बाइक चोरी किए हैं। बढ़ते शहर में चोरियां भी बढ़ती जा रही है, सरकार का सख्त आदेश है, यह शख्स जहाँ भी मिले आप इसे मार सकते हैं और मारने वालों को 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे खबरों के साथ। ओह माय गॉड, तो यहाँ का भी हालत बहुत ख़राब है। तो गाइस अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में बहुत सारा चोरी हो रही है। तो भाई चलो, एक बार वो चोर मेरे हाथ लग जाए ना, उस समय बम से उड़ा दूंगा भाई, बहुत ज़्यादा ही वो चोरियाँ कर रही है भाई। आखिर वो छुप के बैठा कहाँ है? अबे वो गाड़ी से निकल, तो समझ में नहीं आता, मैंने एक बार बोला तो। भाई बचाओ बचाओ, मेरा गाड़ी को लेके भाग रहा है, बचाओ। तो फाइनली गाइस मैंने उस चोर को देख लिया है, जो कि वो रेड कलर की गाड़ी में वो आ रहा है। अब मैं उसे छोड़ूंगा ना, ये ले इसका काम खत्म। अब मैं फटाफट पुलिस को कॉल लगा देता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। अब मुझे 1 करोड़ का इनाम मिल चुका है, अब मैं उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करूँ यार, कहाँ करूँ। कुछ दिन बाद तो फाइनली गाइज मैंने उन 1 करोड़ का, तो मैंने एक शोरूम खोल लिया जो कि साइकिल शोरूम है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, मस्त मेरा शोरूम है और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। 2 साल बाद तो गाइज मैंने भी एक बाइक का शोरूम मैं खोल चुका हूँ, जो कि मैं अपने दम पे मैं खोला हूँ भाई, और बहुत ही मेहनत किया हूँ ये शोरूम को खोलने में। तो चलिए आपको मैं वो शोरूम दिखाता हूँ, तो काफ़ी गजब और औसम मेरा शोरूम है भाई। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अरे भाई साहब, चलिए अभी तक मैंने अपना बाइक को चेंज नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी चेंज नहीं करना है, जब तक कि मैं अमीर नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं अपना बाइक को चेंज करूँगा नहीं। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपना शोरूम, अब बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। तो गाइज़ यही मेरा शोरूम है, जो कि काफ़ी औसम है यार। तो बाइक को मैं यहीं पर पार्किंग कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ कस्टमर भी आए हैं बाइक लेने के लिए, तो चलो यार ये लोग तो आते जाते रहेंगे। तो देखिए गाइज़ क्या काफ़ी महंगा महंगा गाड़ी है। चलिए तो ये मैंने दिखा दिया, तो चलिए गाइज अब हम चलते हैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम है। 4 साल बाद तो फाइनली गाइज मैंने एक कार की शोरूम खोल चुका हूँ, जो कि गाइज महिंद्रा थार की मेरी शोरूम है, जो काफ़ी गजब है भाई, और बहुत ही कीमती शोरूम है भाई। मैंने बहुत ही पैसा इन्वेस्ट किया भाई, जितना अभी भी मुझे और मेहनत करना है, जब तक कि मैं आसमान को नहीं छुलाता हूँ तब तक मुझे मेहनत।
5 साल बाद। तो फाइनली गाइस, तो मैंने अपना बाइक भी चेंज कर लिया और मेरा शोरूम से शोरूम बहुत सारा मैंने शोरूम खोल चुका है। तो मैंने हेलीकॉप्टर का भी शोरूम खोल रखा है, एरोप्लेन का भी मैंने शोरूम खोल रखा है भाई, स्कॉर्पियो BMW सारा का सारा शोरूम खोल चुका है। तो फाइनली गाइस, तो मैं अभी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूँ, और जो कि अभी मुझे काफ़ी बहुत अच्छा ही फील हो रहा है, मुझे लग रहा है नहीं मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। तो चलो अब चलते हैं उन दोस्तों से मिलने के लिए जो कि मुझे गरीब कहता था। चलिए अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक तो करना यार। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने स्टाफ से मिलने, क्योंकि वो वाला काम मैंने उनको सौंपा था तो शायद वो अभी कंप्लीट कर दिया होगा। तो चलो मेरा स्टाफ यहीं पर खड़े, चलो इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं।